हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पोजीशंस बता दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस क्या हो सकती हैं। तो अब हम इस वीडियो में आप लोगों को मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा और उसकी क्या बताऊंगा, नेचर पोजीशन फाइल बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता है कि लेंस किस तरीके से बनाना है। 10 सेंटीमीटर लाइन लेनी है, 10 सेंटीमीटर आधा ऑप्टिकल सेंटर होगा। फिर आपको क्या करना है, 5 उसको वाई प्रिंसिपल एक्सिस की जो 10 सेंटीमीटर ली थी, एक पॉइंट से सी तक खोलना, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसी पॉइंट से फिर एक आर्क इधर से लगानी है, फिर कंपास को लेकर एक आर्क इधर से लगा देनी है। ठीक है, जितना पोर्शन ऊपर होगा उतना पोर्शन कहाँ होगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे होगा। कहाँ होगा, नीचे होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पास करानी है, वर्टिकल एक्सिस पास कराओगे। उस वर्टिकल एक्सिस और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके इंटरसेक्शन पर, वहां पर आपको क्या मानना, ऑप्टिकल सेंटर होगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा उस पॉइंट पर। तो आप इस तरीके से बनाओगे। अब बात आती है हम फोकल लेंथ कैसे मार्क करेंगे, फोकस को किस तरीके से मार्क करेंगे, F1 F2 किस तरीके से मार्क करेंगे। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इस थिकनेस को मेजरमेंट करना है, सी से एक आर्क इधर लगानी है, उसी से बिना चेंज करे एक आर्क इधर लगानी है, फिर सी से एक इधर आर्क लगेगी, एक आपको इधर की तरफ लगेगी। ठीक है, और हमारे पास में ये कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब शुरुआत करते हैं हम कि जब हमारा ऑब्जेक्ट लेस देन फोकल लेंथ हो और सी एंड फोकस के बीच में हो तो नेचर क्या होगी, मतलब उसकी नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज। मैंने नेचर ऑफ इमेज दो ही बताई है, तो रियल होगी, रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। साइज ऑफ इमेज मतलब इमेज का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। तीसरा होगा डियर स्टूडेंट पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान सुनेंगे, मैंने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ वन के बीच में रखा, मतलब लेस देन फोकल लेंथ है, तो पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिप ऑब्जेक्ट रख दिया, इस पॉइंट से आपको रेज निकालनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां से निकालोगे ना यहां से निकालोगे, कुछ बच्चे तो क्या होते हैं कि इस पॉइंट को भूल जाते हैं, ऐसे रे ऑफ लाइट को निकालते हैं, तो बिल्कुल गलत है। रेज निकलेंगी इस पॉइंट से, ए और ये क्या है, बी है, तो ए से रे ऑफ लाइट निकालनी है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी पहली वाली। तो यहां पर एक एरो लगाओगे, रे ऑप्टिक्स है, तो पहली ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो कहां से जाएगी, उसके फोकस से पास होकर के जाएगी, तो ये फोकस से पास होकर के निकल गई डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव रे है हमारे पास में ये वाली, जब हमारी रे ऑफ लाइट फॉल करी गई लेंस पर पैरेलल टू एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, दूसरा रूल आप तो चूज करोगे ना बेटा, वो बहुत कन्वीनियंट होता है, वो चूज करोगे आप ए से ऑप्टिकल सेंटर वाला, कौन से वाला, ऑप्टिकल सेंटर वाला, क्योंकि वहां पर क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ए से निकलेगी, ए से अगर कोई रे ऑफ लाइट निकल के जा रही है इस पॉइंट से, तो वो सी से जैसे पास होकर के जाएगी ना, तो उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन के वो रे ऑफ लाइट है वो कैसी चली जाएगी डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट चली जाएगी। अब बात आती है इमेज की, तो मैंने आपको इमेज के बारे में एक चीज बताई थी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वो एपियर हो, कि वो रे ऑफ आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रे ऑफ लाइट अगर वो एपियर हो रही है कि कम्स एट ए पॉइंट, तो उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की हम क्या मान लेते हैं, इमेज बन, क्या मानते हैं उसकी इमेज, क्या मानते हैं, इमेज बनाते हैं। तो मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट जहां पर भी मीट करेंगी वहां पर उस पॉइंट की हम क्या मानेंगे डियर स्टूडेंट्स, इमेज मानेंगे, क्या मानेंगे, इमेज। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये रिफ्रैक्टेड लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करेगी तो ये जो रिफ्रैक्टर जो लाइट है ये डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट इधर साइड में मीट नहीं करेंगी, इसका मतलब इमेज इधर साइड में नहीं बनेगी। इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, इसका मतलब ये जो रे ऑफ जो लाइट है ये आ रही है एक पॉइंट से, क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच में यहां सेपरेशन ज्यादा है, यहां देखो सेपरेशन कम है, यहां और सेपरेशन कम है, यहां सेपरेशन और कम है, यहां सेपरेशन और कम हो गया, यहां सेपरेशन और कम हो गया, यहां सेपरेशन और कम हो गया, तो पीछे पीछे ऐसे जाता जाऊंगा तो
सेपरेशन बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा और ये जो रे ऑफ जो लाइट है मुझे लगेगी जैसे एक पॉइंट से आ रही हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे क्या करना है, इन रेज को मुझे क्या करना है, अब डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करना है, अब आगे जो भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही मुझे इस वाली रेज को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इस वाली लाइन को मुझे क्या कराना है डियर स्टूडेंट्स, डॉट डॉट से बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देना है, प्रोड्यूस करना है। अब डियर स्टूडेंट्स ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोड्यूस हो रही है तो ये जो रे ऑफ द लाइट है बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है तो ये जो रे ऑफ द लाइट है डियर स्टूडेंट्स ऐसे लगेंगी जैसे रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस वाले पॉइंट से आ रही हूं। तो इसका मतलब इस ए पॉइंट की निकली कहां से, ए से, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट अपीयर कहां से हो रही है, इस वाले पॉइंट से। तो मतलब ए की जो इमेज है ए डैश यहां पर होगी। ठीक है, अब मुझे बी की भी इमेज देखनी है। आपको पता है कि जो ए जो है ए के बिल्कुल अपोजिट है कौन, बी है। तो इसका मतलब ए डैश के बिल्कुल अपोजिट ही क्या बनेगी, बी की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। दैट इज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्या होगा, वो होगा हमारा क्या डियर स्टूडेंट्स, बी डैश होगा। ठीक है, क्या होगा, बी डैश। अब इनके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उनकी इमेज कहां बनेगी, इनके कहां बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स, बीच में बनेगी। कहां पर बनेगी, बीच में बनेगी। तो ये इस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट ए बी की हमारी क्या बन गई डियर स्टूडेंट्स, एक इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज बन गई। अब बात ये आती है कि इसका नेचर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है और साइज क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लाइट अपीयर हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन से अपीयर हो चाहे वो रिफ्रैक्शन से अपीयर हो, तो वहां नेचर ऑफ जो इमेज जो होती है वो होती है डियर स्टूडेंट्स वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो मैंने क्या बताया था, इरेक्ट भी होगी। क्या होगी, इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता रखा है कि अगर ए बी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ऐसे ही परपेंडिकुलर है जैसे क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। मतलब ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर है अब अब द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज भी जो हमारी जो बन रही है वो परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के है और वो भी परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस के है। तो इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। तो नेचर ऑफ द इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट की। अब बात आ जाती है साइज की, साइज कैसा होगा। तो देखो ए बी को, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है उसकी, वर्चुअल इमेज है। क्या है, वर्चुअल इमेज। जरा इसके साइज की बात करो, हमेशा जो साइज जो होता है ना इमेज का वो विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बताया जाता है। अगर मैं इस ए बी ऑब्जेक्ट की अगर मैं हाइट को देखूं और मैं ए डैश बी डैश इमेज की हाइट को देखूं, क्या इसकी इमेज की जो हाइट है वो इक्वल है ऑब्जेक्ट की हाइट की कंपेयर में, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इमेज जो है वो हमारी बड़ी है। ठीक है, इमेज हमारी कैसी है, बड़ी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट कम है और इमेज की हाइट कैसी है, ज्यादा। इसका मतलब जो साइज जो है इमेज का वो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। लार्जर देन द क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाती है पोजीशन की। तो पोजीशन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, पोजीशन इसकी जो इमेज की जो होगी वो उसी साइड में फॉर्म होगी जिस साइड में क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, जिस साइड में क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड इन इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारी इसकी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स होगी इमेज की। अब बात ये आती है कि ये जो कॉन्वेक्स जो लेंस है इसका इस कंडीशन का क्या यूज हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे जो वॉच मेकर जो होते हैं, क्या होते हैं, वॉच मेकर जो होते हैं, ठीक है,
और जो हमारे स्मॉल लेटर्स ऑफ न्यूज़पेपर जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, स्मॉल लेटर ऑफ न्यूज़पेपर्स, और तीसरा मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे जो पाल्मिस्ट जो होते हैं, पाल्मिस्ट का मतलब है कि जो मेरा हमारे जो हस्तरेखी जो होते हैं, जो हाथ की रेखा देखने वाले होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में जो रेखाएं जो होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, वो हमें एक्चुअली में वो हमें नेक आई से ऑब्जर्व नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि उसकी इमेज कैसी बने, वर्चुअल बने और मैग्नीफाइड बने, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस कर सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जब हमारा ऑब्जेक्ट लेस देन फोकल लेंथ को मतलब सी एंड एफ के एफ वन के बीच में हो तो मतलब वहां पर वर्चुअल रेक्टी भी बनती है और लार्जर देन का ऑब्जेक्ट बनती है, तो लार्जर देन मतलब मैग्नीफाइड भी है, क्या भी है, मैग्नीफाइड भी उसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इसलिए हम इस कॉन्वेक्स लेंस को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल देते हैं, ठीक है, और उस मैग्नीफाइंग ग्लास का जो यूज है उसे पाल्मिस्ट भी यूज कर सकते हैं और टू रीड द स्मॉल लेटर ऑफ न्यूज़पेपर में यूज कर सकते हैं उस मैग्नीफाइंग ग्लास को, और हमारे वॉच मेकर भी उसको क्या कर सकते हैं, वॉच मेकर जो घड़ी बनाने वाले, क्योंकि घड़ी के अंदर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो नेक आई से हमें ऑब्जर्व नहीं होते, इसलिए हम इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं पर्टिकुलर कंडीशन में, याद रखना जब हमारा ऑब्जेक्ट लेस देन फोकल लेंथ हो, द सी एंड एफ वन के बीच में हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स सेकंड केस की, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस वाला आप लोग खुद करोगे, फोकस वाला आप लोग खुद बनाओगे। अब मैं एक केस लूंगा कि केस सेकंड लेता हूं मैं, केस सेकंड लेता हूं मैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन, मतलब क्या होगा, बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, एफ फोकल लेंथ और टू एफ वन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो क्या करोगे आप, किस तरीके से करोगे इस चीज को, किस तरीके से करोगे, सिंपल है, आ जाएगा आपकी टेंशन, मतलब नेचर पोजीशन साइज फिर हमें देखनी है, तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको लेंस बनाना है, बट मैं यहां पर अपने तरीके से क्या बना रहा हूं, लेंस बना रहा हूं, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये वर्टिकल एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के सेंटर काटो, यहां पर ये क्या डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर दैट इज सी, ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की मैंने पहचान क्या बताई है, बीच में से मोटा और किनारों से कैसा पतला होता है डियर स्टूडेंट्स, और इसमें कितने स्फेरिकल सरफेस ट्रांसपेरेंट ग्लास के होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, ठीक है, तो अब मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ बतानी है, एक तो मैं यहां पर बना दूंगा एफ वन और ये क्या हो जाएगा टू एफ वन, यहां क्या हो जाएगा एफ टू और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स टू एफ वन, आपको उसी तरीके से करनी है जैसे मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑब्जेक्ट को कहा रखा है एफ वन और टू एफ वन, मतलब फोकल लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बीच में, तो मतलब मुझे ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, ठीक है, तो वही काम करना है, ये ए और ये क्या है बी है, क्या है बी, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, पेरिफेरी ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की क्या निकालनी है, इस ऑब्जेक्ट ए से, इस ए पॉइंट से आपको एक रे ऑफ लाइट निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल निकालनी है, तो वो कहां से जाएगी, फोकस से पास होकर के जाएगी, कौन से एफ टू से, तो ये हमारी एफ टू से पास होकर के चलेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिफ्लेक्शन एरो, ये ऐसे एरो मत लगा देना, ये वाले एरो बिल्कुल गलत है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता लाइट को, रिफ्लेक्ट करता है, डायरेक्शन मतलब चेंज हो जाती है दूसरे मीडियम के अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, अब
दूसरी रे ऑफ लाइट के लिए मैंने आपको क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, दूसरी रे ऑफ लाइट के लिए आपको चूज करना है उस पॉइंट से, ए पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकालनी है, वो कहां से पास करानी है डियर स्टूडेंट, सी से पास करानी है, कहां से पास करानी है सी से, तो मैं सी से रे ऑफ लाइट पास कराऊंगा इस ए पॉइंट से इस तरीके से, और वो जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स हमारी पास हो जाएगी, बट उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब एक चीज ध्यान सुनो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है, ये जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां मीट कर रही है डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे ऑफ जो लाइट है ये हमारी मीट कर रही है डियर स्टूडेंट्स कहां, इस वाले पॉइंट पर मीट कर रही है यहां पर। इसका मतलब क्या है कि आने वाली जो रे ऑफ लाइट है ए से है, बट वो आफ्टर रिफ्रैक्शन मिल कहां रही है इस वाले पॉइंट पर मिल रही है, तो कहने मतलब क्या कि ए का एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होगा ए डैश। अब बी भी एक, बी का भी ऑब्जेक्ट तो ए भी है, तो बी की भी इमेज बननी चाहिए, तो बी की इमेज कहां बनेगी ए डैश के बिल्कुल कहां अपोजिट बनेगी बी डैश। अब पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो मुझे क्या कर देना है, इसको कंप्लीट एक लाइन खींच देनी है बिल्कुल इस तरीके से, और एरो अब ऊपर था तो एरो अभी कहां जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब पोजीशंस, नेचर, साइज क्या होगा इमेज का, वो हमें देखना है। नेचर की बात करते हैं सबसे पहले, इसकी बात करते हैं नेचर, क्या नेचर होगी इसकी बताओ, आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट कर रही है, अपीयर नहीं हो रही, एक्चुअली में रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि वन मीडियम से अनदर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन जब होता है ना, एक्चुअली जब रिफ्रैक्शन होता है तो एक्चुअली में रिफ्रैक्टर लाइट इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर जो नेचर जो होती है वो रियल होती है, और रियल के साथ में हमेशा क्या बनता है, एक इन्वर्टेड आता है, क्या आता है इन्वर्टेड, ठीक है। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो होगी, बट वो कैसी होगी डाउनवर्ड, मतलब उल्टी होगी, कैसी होगी उल्टी इमेज बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं बात करता हूं साइज की, इसकी बात करता हूं साइज की बात करता हूं, तो साइज जरा देखो, ए बी देखो और ए डैश बी डैश देखो, ए बी हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश हमारी ऑब्जेक्ट की क्या है इमेज है, तो जरा देखो ए बी जो है, ए बी जो हाइट है और ए डैश बी डैश जो हाइट है, क्या डिफरेंस है उसके बीच में, डिफरेंस ये कि ए डैश बी डैश जो हाइट है वो ए बी हाइट से कैसी है, ऑब्जेक्ट की हाइट से कैसी है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, लार्जर देन द क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये इमेज कैसी है मैग्नीफाइड है, कैसी है मैग्नीफाइड, ठीक है। अब अगली चीज की बात आ जाती है पोजिशन की बात आती है, किसकी बात आती है करेक्टरिस्टिक में, अगली आती है हमारी पोजिशन, पोजीशन देखो जरा ध्यान से, इमेज इधर साइड बनती है लेंस की अदर साइड में, जिधर साइड में ऑब्जेक्ट उधर साइड में इमेज नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर इधर साइड में है तो इमेज हमारी इधर साइड में बन रही है, तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2f2 ऑफ अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑफ अदर साइड ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की अदर साइड में जो 2f2 है उसके बियॉन्ड हमारी इमेज क्या होगी डियर स्टूडेंट्स फॉर्म होगी, मतलब उसकी ये क्या होगी पोजीशन होगी, क्या होगी डियर स्टूडेंट्स पोजीशन, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी डिफिकल्ट इमेज इसमें नहीं है, बट आपको एक बार लेंस बना लिया तो इमेज बनाना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, नेचर बतानी, पोजीशन बताना और साइज बताना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, लोग आप लोग ध्यान सुनेंगे आपको इस चीज को, मैं एक चीज आपको ये बताता हूँ आप लोग, देखो मैंने क्या बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, तो यहां पर भी तो वो इमेज मैग्नीफाइड बनाता है, तो इस वाले केस को हम यूज कर सकते हैं क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ हो, नहीं यूज कर सकते, क्यों यूज नहीं कर सकते, चाहे भले ही यहां मैग्नीफाइड बना रहा है पर यहां पर हम इसको इस कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग
ग्लास यूज नहीं करेंगे अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है F1 और 2F1 के बीच में, क्योंकि वहां पर वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, मतलब वो क्या होगा, वो उल्टी इमेज बनाएगा। इसका मतलब अगर मैं स्मॉल लेटर न्यूज़पेपर के अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे उल्टे दिखाई देंगे और उसको मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या नहीं कर पाऊंगा, रीड नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, डियर स्टूडेंट्स, वॉच मेकर जब घड़ी को जब बनाएंगे इस कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से और वो उस मशीन के उस वॉच के पार्ट्स को अगर वो F1 और 2F1 के बीच में रख दे तो जो पार्ट्स की जो इमेज जो मैग्नीफाइड होगी उल्टी होगी, तो वो उस पार्ट्स को करेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको इजीली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेट भी करेगा तो उसको वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, उस चीज को दूसरी जगह रिप्लेस कर देगा उसको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर हमारा F1 और 2F1 के बीच में हो ऑब्जेक्ट तो हम उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज नहीं करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए अगर हमें यूज करना है तो ऑब्जेक्ट को हमारा C and F1 के बीच में होना चाहिए, मतलब लेस देन फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट को होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। बाकी की इमेज आप लोग खुद बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास में बुक होनी जरूरी है। ठीक है, हम सारी चीजें आप लोगों को लिख करके भेजेंगे तो आप लोग मोबाइल में ही लगे रहेंगे बेटा, ये आप लोग हेक्टिक हो जाओ इस चीज के, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कम से कम फोन के कॉन्टेक्ट में आए, इसलिए आप अपनी बुक वगैरह जरूर यूज करें। वीडियो तो आप देखेंगे जरूर, ये तो देखना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, बट हम नहीं चाहते कि आप ज्यादा टाइम मोबाइल पर ही दें। तो हम चाहते हैं कि जो हम क्वेश्चन आपको बना करके देते थे, अब वो क्वेश्चंस मैं चाहता तो मैं इसके क्वेश्चन आपको बना करके दे सकता हूं, बट आपकी जो बुक में अवेलेबल है तो आपको क्यों टेंशन लेनी है, बुक मंगा लो, बुक मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे बेटा। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।